स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से एक नया चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि चौथा नंबर चैप्टर है क्लास 10 साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन कहाँ कहाँ हमें मिलता है, कार्बन का ओवरव्यू जानेंगे, इस एलिमेंट के बारे में और डिटेल भी जानने वाले हैं, साथ साथ इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं वो भी हम लोग इस पूरे वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन आखिर होता क्या है। तो कार्बन जैसे कि हम लोग जानते हैं, पीरियोडिक टेबल आपके देख सकते हैं आपके सामने है, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, 105 प्लस एलिमेंट होते हैं, लेकिन इन सभी एलिमेंट में एक खास महत्व रखने वाला एलिमेंट होता है कार्बन, जिसका आप लोकेशन देख लेते हैं यहाँ पे होता है। अब इसका आप लोकेशन देखो तो आप हाइड्रोजन से गिनना शुरू कहाँ पे आता है, तो हाइड्रोजन हो गया 1, उसका हीलियम हो गया 2, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ गया लिथियम, फोर्थ पे बेरिलियम, फिफ्थ पे बोरन और सिक्स नंबर पे कार्बन। मतलब कि कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर भी हो गया 6, ठीक है। इसको C से डिनोट किया जाता है, कार्बन का सिंबल क्या हो जाता है C, जैसे बाकी एलिमेंट होते हैं वैसे ये भी एक एलिमेंट है, इसका सिंबल हो गया C और इसका एटॉमिक नंबर हो गया 6, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 नंबर। ओके, ये जो है ये एक नॉन मेटल में आता है। ओके, तो ये हो गया। अब आप कार्बन एटम का अरेंजमेंट देख लो, कार्बन एटम का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, बीच में न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे और चारों ओर इसके इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और इलेक्ट्रॉन के घूमने में भी देखो आप 9th क्लास में पढ़ोगे अलग अलग सेल्स में घूमते हैं। तो सबसे पहला जो सेल होता है उसको के सेल बोलते हैं, उसके बाद वाला जो सेल होता है उसको एल बोलते हैं, के एल एम एन होता है, ठीक है। तो जो पहला सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, तो इसके पास 6 एटॉमिक नंबर, 6 टोटल 6 हो गए। तो पहला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद वाला जो सेकंड सेल होता है एल सेल में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले में 2 और दूसरे वाला में 4 इलेक्ट्रॉन इसके घूमते हैं। ओके, तो ये इसके आउटर सेल में अगर पूछा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो ये इसके बारे में ओवरव्यू हो गया कि कार्बन होता क्या है। अब कार्बन अर्थ पे कहां कहां पाया जाता है और कितने अमाउंट में पाया जाता है, हम लोग ये समझते हैं। तो कार्बन जैसे कि दूसरा एलिमेंट है, जैसे हवा में देख सकते हैं आप ऑक्सीजन है 20-21%, नाइट्रोजन है 78%, अर्थ में अगर बात करें तो आयरन है, दूसरे मिनरल्स या दूसरे एलिमेंट पाए जाते हैं, लेकिन कार्बन का परसेंटेज बहुत कम होता है। तो कार्बन अगर अर्थ पे बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे मिलेगा, अर्थ क्रस्ट का मतलब कि अर्थ के सरफेस पे और एयर पे, इस दोनों जगह पे हमें कार्बन मिलता है। अब कार्बन डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा। तो अर्थ क्रस्ट में अगर हम जो भी कार्बन है उसका अगर हम एवरेज परसेंटेज निकालें तो 0.02% कार्बन यहाँ पे हमको मिलेगा, ठीक है। और वहीं पे बात करें और किस किस फॉर्म में होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि कार्बोनेट के बारे में, जैसे सोडियम कार्बोनेट हम लोग पढ़े थे, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग पढ़े थे, तो उन सब के फॉर्म में मिलेगा। और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल में, तो वहां पे भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद कोल में मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, ये सब में कार्बन का ये प्रोडक्ट है और कार्बन इसमें मिलता है। ओके, अब दूसरा हो गया कि एटमोस्फेयर में भी कार्बन मिलेगा, किसके फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में। CO2 होता है ना, तो इसमें भी तो कार्बन है, तो कितना परसेंटेज है, तो जितना हवा में है 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड में जो है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में उसी में जो कार्बन है सो है। तो कार्बन ओवरऑल देखा जाए तो वेरी लेस अमाउंट में आप देख सकते हैं, अर्थ क्रस्ट में 0.02% है और अर्थ एटमोस्फेयर में 0.03% है। ओके, अब क्या क्या चीज है जो कार्बन से बनी होती है, तो आप अपने आसपास में देख सकते हो जितने चीजें आपको दिखती है वो सारी चीजें कार्बन से, मोटा मोटी वही चीज से बनी होती है। जैसे कि आप खाना खाते हो, खाना जितना भी होता है, जो भी फूड मटेरियल हम लोग खाते हैं, वो सारा का सारा कार्बन उसमें होता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा कार्बन से बना होता है, वो तो प्योर हो जाएगा फिर, तो उसमें परसेंटेज उसके कंपाउंड्स होते हैं। तो फूड में हो जाएगा, आप क्लॉथ जो भी पहनते हो वो सब में कार्बन होता है, आप सिंथेटिक क्लॉथ हो चाहे आप वो नेचुरल फाइबर से कॉटन से बना हुआ हो, वो दोनों में ही कार्बन होते हैं। उसका जितने मेडिसिन आप देख सकते हो, तो सारे मेडिसिन में मोटा मोटा हो ही जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, उस कारण वहां पे कार्बन हो जाता है। उसके बाद आप जो बुक पढ़ रहे हो, आप जिस मोबाइल से देख रहे हो, आप जिस लैपटॉप से देख रहे हो, सब में वो सब कार्बन से बने होते हैं, उसमें कार्बन के कंपाउंड होते हैं। कहाँ कहाँ कार्बन मिलेगा मैं ये बता रहा हूँ। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उड, लकड़ी, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मतलब कि लिविंग थिंग्स वाले पदार्थ है, जितने ह्यूमंस हो गए, जितने भी और अदर ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, ये सारे चीज में कार्बन का कंपाउंड होता है। तो ऑल लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं सब कार्बन से बने होते हैं, ठीक है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा कार्बन से नहीं बना होता, कार्बन उसमें कंपोनेंट में होता है, बेसिक स्ट्रक्चर में वही होता है। अब हम लोग डायरेक्टली समझ लेते हैं कि कार्बन हमें
कहीं कहीं शुद्ध फॉर्म पे भी मिल जाता है, जैसे गोल्ड भी मिल जाता है, गोल्ड प्लेटिनम हमें शुद्ध फॉर्म पे मिल जाता है, 100% प्योर फॉर्म में नेचर मिल जाता है, उसी तरह से कार्बन भी है ये हमें शुद्ध फॉर्म में मिल जाता है। तो कहाँ कहाँ एकदम शुद्ध फॉर्म पे मिल जाता है, तो वो आ जाता है डायमंड, ठीक है, डायमंड 99.99% प्योर कार्बन से बना रहता है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे जो पेंसिल की जो निब होती है आपकी, ठीक है, वो बनी होती है ग्रेफाइट से, ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो भी प्योर कार्बन का एग्जाम्पल है, ये भी 99% प्योर हो जाता है। ओके, तो दोनों में अभी अंतर है, वो एलोट्रॉप्स वाला जो आएगा तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए हम समझ रहे हैं कहाँ कहाँ प्योर फॉर्म में मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें कोयल की, कोल जो होता है कोयला, तो सारे कोयल में ये 100% प्योर तो नहीं मिलता, उसमें इंप्यूरिटीज रहती है, ठीक है, लेकिन कोल में आप डायरेक्टली कार्बन मिल जाता है, कंपाउंड के फॉर्म पे कम रहता है, डायरेक्टली फॉर्म पे रहता है, सी के फॉर्म पे ही रहता है, एलिमेंट्री फॉर्म पे रहता है। हाँ, अलग अलग कोल पे ये डिपेंड करेगा, किसी कोल में हो सकता है 40% हो, किसी में 50 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो, 95 हो, एंथ्रासाइट कोल है उसमें 90%+ में रहता है कोल, उसी तरह से बिटुमिनस पील है तो 50-60% पीट में तो और कम होता है, 30-40% हो जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्योर फॉर्म पे जहां पे डायरेक्टली कार्बन का एलिमेंट्री फॉर्म पे मिल जाए, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि बुक्स में दिया, वुड में दिया, तो यहाँ पे कार्बन रहेगा एलिमेंट्री फॉर्म पे, सिंगल कार्बन के रूप में नहीं रहेगा, यहाँ पे कंपाउंड के फॉर्म पे रहेगा कार्बन, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सीधे एलिमेंट्री फॉर्म पे रहेगा, डायरेक्ट कार्बन एलिमेंट के फॉर्म पे यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में हो गया कि आपके डायमंड में मिल जाएगा, आपके ग्रेफाइट मिल जाएगा और कोल में मिल जाएगा, तो यहाँ पे ये चीज हो जाता है। और भी जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब मैं नाम ले रहा हूं तो मतलब हो गया जो लिविंग थिंग्स हमें प्राप्त होते हैं, अभी के लिए इतना समझना है, ठीक है, बाद में इसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। तो लिविंग थिंग्स से जितने मिलने वाली चीजें हैं तो वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया, और उसमें भी कार्बन एज ए कंपोनेंट होता है, ठीक है, कार्बन के कंपाउंड होते हैं। तो कार्बन जो है ये दो फॉर्म पे मेनली हमें मिल जाएगा, एक ऑर्गेनिक फॉर्म पे लिविंग थिंग्स के फॉर्म में, और कुछ कार्बोनेट के फॉर्म्स में मिल जाते हैं। तो ये मेन दो फॉर्म पे यहाँ पे हमें मिलते हैं, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में एसिड बेस साल्ट में पढ़ा था ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है, तो इसमें भी तो कार्बन है, उसी तरह से, और देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसमें भी कार्बन है, उसी तरह से अब कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर जैसे कि मीथेन गैस होता है CH4, ठीक है, इसमें भी कार्बन होता है। तो ऑर्गेनिक में कुछ इनऑर्गेनिक में रहता है, लेकिन ये कार्बन आपको बहुत ज्यादा जगहों पर मिल जाएगा, ऑर्गेनिक जितने उसमें तो कार्बन रहेंगे ही रहेंगे। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि कार्बन किसी चीज में है तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, कैसे हमें पकड़े। तो हम लोग अब ये समझने वाले हैं कि अगर कार्बन किसी चीज में है, किसी ऑब्जेक्ट में है, तो उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है, कि कैसे हम पकड़ेंगे कि हाँ इसमें कार्बन है। तो सबसे अच्छा टेस्ट हो जाता है, जो कि ऑर्गेनिक के लिए मेनली यूज किया जाता है, कंबसन टेस्ट, ठीक है, उसको सिंपली आप जला दो, ठीक है। जैसे एक पेपर का एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर एक पेपर है उसको आप बर्न कर दोगे, ठीक है, बर्न करने पे क्या होगा, उसमें से बर्न करने के बाद हीट निकलेगी और कुछ गैसेस निकलेंगी, उस गैसेस को आप पकड़ लो, उस गैसेस को लाइम वाटर से आप पास कराओ, तो लाइम वाटर मिल्की टन हो जाएगा। अब ये पूरा चीज कैसे हो रहा है, मान लो पेपर है, पेपर में कार्बन है, कार्बन प्लस अदर सबस्टांस, ये हो गया पेपर मेरा, इसमें अगर हम ऑक्सीजन मतलब एयर में इसको हम जलाते हैं, बर्न करते हैं तो यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर प्रोडक्ट निकलेगा, लेकिन हमें पकड़ना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइन वाटर से प्लास करा देंगे, मतलब कि CaOH2 इसको एक्वा सोल्यूशन में रहेगा, इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करा देंगे तो ये हमारा कैल्शियम CaCO3, ठीक है, प्लस वाटर, तो यहाँ पे हमें लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और यहीं से पकड़ा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कार्बन है कि नहीं है, अगर उसको बर्न किए और उसका जो गैसेस कलेक्ट हुआ उसको हम लोग अगर लाइम वाटर में डालते हैं और वो मिल्की नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि उसमें कार्बन नहीं है, ठीक है, अगर वो मिल्की हो गया तो मतलब कि उसमें कार्बन है। तो ये कंबसन टेस्ट का मैं एग्जाम्पल बता दिया। अब एक दूसरा हो जाता है कुछ इनऑर्गेनिक सबस्टांस, जैसे कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, इसमें भी तो कार्बन है, तो ये कैसे टेस्ट होता है, तो ये इसको एसिड टेस्ट कराते हैं, ठीक है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट अगर है तो ये तो पता चलेगा नहीं, पहले बर्न करा के देखे, अगर उसमें नहीं डिटेक्ट हुआ, जैसे कार्बोनेट को आप बर्न कराओगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा, लेकिन उसको आप HCl एसिड के साथ टेस्ट करो, उसको आप एसिड में डाल दो, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको HCl एसिड के साथ जैसे ही डालेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड बन के निकलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे जो गैसेस निकलेंगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप कलेक्ट करो और वापस से लाइम वाटर में डालो, सेम प्रोसेस ये जो मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में डालो
और वो लाइम वाटर को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दो टेस्ट है जो अभी के लिए हमें समझने के लिए, बाद में इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी टेस्ट भी होता है और भी दूसरे टाइप का टेस्ट होता है, उससे और क्लियर पता चल। लेकिन मोटा मोटा अगर हम लोग को समझना है कि किसी चीज में कार्बन है कि नहीं है, तो वो आप डायरेक्ट कंबसन टेस्ट कर लो। अगर उससे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एसिड डाल के देख लो, अगर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इसकी मतलब है कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि वहां पे कार्बन है उसमें, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट कैसे होगा, लाइम वाटर टर्म्स में। तो ये तरीके से आप टेस्ट कर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।